हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्चपैड एजुकेशन। माय नेम इज वैशाली कंबोज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द नेक्स्ट जेनरेशन एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट, जो अभी रिसेंटली ही इसरो ने ऐसा अनाउंस किया है कि हम लोग ऐसा एक सैटेलाइट डेवलप करने वाले हैं। ऑलरेडी हमारे पास एक एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट है जिसका नाम है एस्ट्रोसैट। इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे क्योंकि कुछ समय पहले ये भी इन न्यूज था। सो लेट्स बिगिन। कंटेंट्स में सबसे पहले हम लोग कंटेक्स्ट की बात करेंगे कि क्यों इन न्यूज ये नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट आ रहा है। देन हमारा जो एस्ट्रोसैट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, ये क्या है इसके बारे में जानेंगे। फंक्शंस इसके क्या रहेंगे और पेलोड्स इसके ऊपर क्या क्या हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉर मोर अपडेट्स यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड इफ यू नीड द पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो देन प्लीज जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच। Now let us see the context. देखो क्या हुआ है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज जो हमारी इसरो है, इन्होंने ऐसा प्लान किया है कि हम नेक्स्ट जेनरेशन एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट बनाने वाले, यानी उसके अंदर कुछ बहुत ज्यादा एडवांसमेंट होंगी, उसके अंदर हम लोग कुछ नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि हम बेटर तरीके से हमारे स्पेस को जान सके। ऑलरेडी हमारे पास एक सैटेलाइट एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है एस्ट्रोसैट। तो ये एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट है। यहाँ पर इसरो ने कहा कि हम लोग एस्ट्रोसैट 2 नहीं लॉन्च करने जा रहे हैं, हम एक नेक्स्ट जेनरेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें ऑल टुगेदर डिफरेंट टेक्नोलॉजी होगा और बेटर टेक्नोलॉजी होगा। ठीक है जी, तो ये दिमाग में हमने बात रखनी है। एंड सेकेंडली हम इस वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में, एस्ट्रोसैट के बारे में, क्योंकि नेक्स्ट जेनरेशन एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट अभी आएगा, लेकिन एस्ट्रोसैट क्योंकि इससे रिलेटेड है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी ये सैटेलाइट एग्जिस्ट करती है, इसलिए हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, सो लेट अस सी एस्ट्रोसैट क्या है। देखिए, इसरो का ये पहला मिशन था जो डेडिकेटेड था एस्ट्रोनॉमी को। लॉन्च किया गया इसको 28 सितंबर 2015 में और इसका टाइम पीरियड जो था वो था 5 साल का। तो अभी रिसेंटली ही 2020 में इसका टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी भी ये काम कर रहा है, ये सैटेलाइट अभी भी काम कर रहा है। ओके जी, सो इट हैज कंप्लीटेड 6 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन दिस ईयर। इट इज स्टिल फंक्शनल एज वी सेड। एस्ट्रोसैट जो है ऐसा माना जा रहा है कि और काफी साल ये निकालेगा और स्पेस की जानकारी हमें इसी तरह देता रहेगा। वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर रिजल्ट्स टू कम विच विल बी पाथ ब्रेकिंग, ऐसा किसने कहा है, AS किरण कुमार जो चेयरमैन है इसरो के और इस मिशन को लीड करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बहुत ही पाथ ब्रेकिंग यहाँ पर हमें चीजें देखने को मिल सकती हैं, स्पेस के बारे में जानकारी मिल सकती है। ऑलरेडी एस्ट्रोसैट हमें ऐसी बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजों के बारे में बता चुका है, बहुत सारी हमें इमेजेस ऑलरेडी सेंड कर चुका है जिसको हम आगे वीडियो के अंदर देखेंगे। एस्ट्रोसैट इंडिया का पहला सैटेलाइट है एस्ट्रोनॉमी के अंदर। हमने बात करी 28 सितंबर को इसको लॉन्च किया गया और एस्ट्रोसैट को रखा गया है एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 650 किलोमीटर, विच इज अ लो अर्थ इक्वेटोरियल ऑर्बिट। तो लो अर्थ इक्वेटोरियल ऑर्बिट कौन सा होता है, अर्थ से जिसका डिस्टेंस 650 किलोमीटर का हो, तो इस दायरे के अंदर इसको प्लेस किया गया। लॉन्च किया गया था इसको PSLV C30 के ऊपर। तो जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि व्हीकल कौन सा है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है PSLV, नंबर उसका था C30। देखिए, वैसे तो ज्यादा नंबर्स पे UPSC कॉन्सेंट्रेट नहीं करती है, लेकिन कभी कभी कुछ स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं, स्पेसिफिकली कुछ सैटेलाइट या कुछ और चीजें इन न्यूज आ जाती है जहां पर हमें नंबर्स पे ध्यान देना पड़ता है, तो ऐसे कुछ चीजों पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। सो इसका सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कौन सा है, PSLV पोलर वाला। इसने जैसे हमने बात किया 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं जी 2020 में और इसका 6ठा साल जो है वो इस बार कंप्लीट हुआ। इसका जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा है, इट इज 3 टाइम्स मोर देन नासाज गैलेक्स मिशन। नासा का ऑलरेडी एक मिशन जिसका नाम है गैलेक्सी एवोल्यूशन एक्सप्लोरर, ये ऑलरेडी चल रहा है, जो काम करता है इस यूनिवर्स में जो गैलेक्सीज प्रेजेंट है उनको स्टडी करने में। ठीक है जी, यहाँ पर जो हमारा एस्ट्रोसैट है उसका जो रेजोल्यूशन है, जिस बारीकी से वो देख सकता है, वो 3 गुना है इस नासा के गैलेक्स मिशन से। ये गैलेक्स नाम का इसके अंदर टेलीस्कोप प्लेस्ड है, तो हमारे एस्ट्रोसैट में जो टेलीस्कोप है वो बहुत ही ज्यादा रेजोल्यूशन का। एस्ट्रोसैट हैज मैप्ड स्टार क्लस्टर्स, बहुत सारे स्टार्स का किस तरह से बने हैं वो, कैसे वो कहाँ पर लोकेटेड हैं, किस तरह का फॉर्मेशन है उनका, इसके बारे में जानकारी हमें मिली है। इट हैज ऑल्सो एक्सप्लोर्ड सैटेलाइट गैलेक्सीज ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। ये हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। इसके अराउंड कुछ गैलेक्सीज जो हैं वो रिवॉल्व करती हैं और ऐसी गैलेक्सीज को कहा गया है मैग्लैनिक क्लाउड्स। ये मैग्लैनिक क्लाउड्स जो हैं ये इररेगुलर गैलेक्सीज हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से ये फॉर्म नहीं हुई है।
इररेगुलर गैलेक्सीज है। तो जो हमारा सदर्न हेमिस्फेयर है वहां से जरूर ये कभी कभी दिखती हैं, लेकिन आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बिल्कुल नॉर्थ में पोल्स की तरफ जाएंगे तो वहां से आपको नहीं दिखाई देता ये। ठीक है जी। सो मैग्लानिक क्लाउड्स की जानकारी जो है वो हमें हमारे एस्ट्रोसैट ने दी। विद द लॉन्च ऑफ एस्ट्रोसैट इंडिया ने बहुत सारे और नेशंस का जो ये प्रेस्टीजियस अचीवमेंट था इसको ज्वाइन किया है। और यहाँ पर कौन कौन से हैं वो नेशंस, लेट अस सी। सो वन इज यूएसए, रशिया, जापान एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। सो चार कंट्रीज ऑलरेडी ये अचीवमेंट ले चुके हैं और इंडिया जो है उसमें एक पांचवा एडिशन हो चुका है। सो एज यू कैन सी हियर इट इज अ टाइप ऑफ स्पेस ऑब्जर्वेटरी, हम स्पेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं थ्रू द सैटेलाइट। ओके जी, तो ये नेशंस ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है और भारत भी अब इसे कर चुका है। नाउ लेट अस सी द फंक्शंस। एस्ट्रोसैट जी क्या है? एक मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, जैसे हमने बात करी। मल्टी वेवलेंथ का मतलब इसके अंदर कई सारी वेवलेंथ्स को जांचने की कैपेसिटी है। इट इज केपेबल ऑफ ऑब्जर्विंग ऑल दो सेलेस्टियल बॉडीज जिनमें ये स्पेक्ट्रम जो है वो अवेलेबल है। जैसे कि कौन कौन सी वेवलेंथ्स, ऑप्टिकल वेवलेंथ्स, अल्ट्रावायलेट, लो एंड हाई एनर्जी एक्सरे कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर जो वेवलेंथ्स लाया करती हैं उनको डिटेक्ट करने में ये कामयाब है। इट कैन ऑब्जर्व ऑल दो सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है जी, जैसे कि डिस्टेंट स्टार्स, बहुत दूर दूर जो स्टार्स प्रेजेंट हैं उनको ये जान सकता है कि कहाँ से ये आपको रोशनी नजर आ रही है, कहाँ पे ये फिनोमेना जो है वो हो रहा है। तो वी कैन लोकेट द स्टार फॉर्मेशंस। ठीक है जी। द डेटा प्रोवाइडेड बाय एस्ट्रोसैट इज वाइडली यूज्ड इन स्टडिंग वेरियस फील्ड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी। तो आप देखो स्पेस को पढ़ने जा रहे हो, यू विल स्टडी अबाउट द गैलेक्सीज, यू विल स्टडी अबाउट द स्टार्स, डिफरेंट तरह का स्टार फॉर्मेशन, यू विल ऑल्सो स्टडी अबाउट द ब्लैक होल्स। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये एस्ट्रोनॉमी जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये हेल्प करेगा। तो चाहे हम लोग अपने गैलेक्टिक रीजन की बात करें, दैट इज विद इन आर गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी के बीच में अगर कोई फिनोमेना हो रहा है, या फिर हम बात करें एक्स्ट्रा गैलेक्टिक, दैट इज हमारी गैलेक्सी के बाहर अगर कुछ हो रहा है, तो उसको दोनों को ऑब्जर्व करने में ये केपेबल है। एस्ट्रोसैट हैड डिटेक्टेड एक्सट्रीम यूवी लाइट फ्रॉम वन ऑफ द फादर स्टार गैलेक्सीज। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट हुई। इस नाम का एक गैलेक्सी AUDFS01, इस नाम का एक गैलेक्सी, स्टार गैलेक्सी बहुत ही दूर है, यहाँ से 9.3 बिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ। तो इतनी दूर का, जिसमें से एक्सट्रीम यूवी लाइट रेडिएट हो रही थी, वो एस्ट्रोसैट ने डिटेक्ट कर ली है। तो हमें इस गैलेक्सी के बारे में पता चला। सो इट वॉज अ ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट फॉर एस्ट्रोसैट। इस डिस्कवरी के अंदर आप देखिए एक पूरी इंटरनेशनल टीम जो थी वो इन्वॉल्व थी इस गैलेक्सी को फाइंड आउट करने में। सो पीपल फ्रॉम इंडिया, यूएस, नीदरलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जापान, ये सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन जिन्होंने हेड किया है वो एक इंडियन थे जिनका नाम है डॉक्टर कनक साहा एट द इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे। तो वहां पर इस डिस्कवरी को किया गया, इसको जांचा गया, इसका पता लगा हम लोगों को। और नेचर एस्ट्रोनॉमी नाम का जो ये जर्नल है इसके अंदर ये जो डिस्कवरी है वो पब्लिश हुई। ऑल्सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एस्ट्रोसैट ने डिटेक्ट किया है एक हाई एनर्जी एक्सरे एमिशन, कहां से, एक ब्लैक होल सिस्टम से। सो एक बार फिर से बहुत ही कमेंडेबल जॉब यहाँ पे एस्ट्रोसैट के द्वारा हमें देखने को मिला। ब्लैक होल सिस्टम जिसके बारे में दुनिया जांच रही है, जिसके बारे में नासा जानना चाहता है और बहुत सारी डेवलप्ड नेशंस की स्पेस एजेंसीज जो हैं जानना चाहती हैं, वहां पर हमारे देश ने एक ऐसा सैटेलाइट बनाया एस्ट्रोसैट जिसने इसके बारे में जानकारी हमें प्रोवाइड करवाई। नाउ लेट अस सी द पेलोड्स ऑन एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट के ऊपर देखिए 6 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं जो अलग अलग तरीके से अलग अलग वेवलेंथ्स को जांचते हैं और इमेजेस जो हैं फिर उनकी बनाते हैं। सो डिटेक्शन एंड इमेजिंग दोनों का काम यहाँ पर होगा। ठीक है जी। 6 की इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो हमारे इन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें है IUCAA एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इन्होंने मिलकर ज्वाइंटली डेवलप किए हैं। दीज आर द 6 इंस्ट्रूमेंट्स। फर्स्ट वन इज चार्ज पार्टिकल मॉनिटर, कैडमियम जिंक टेलोराइड इमेजर्स प्रेजेंट हैं इसमें, स्कैनिंग स्काई मॉनिटर्स प्रेजेंट हैं। देन देयर आर लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर्स जो बेसिकली इमेजिंग के काम तो नहीं आते लेकिन किस तरह से वेवलेंथ को जांचना है इसके बारे में ये काम करेगा। अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप्स, तो टेलीस्कोप इज प्रेजेंट, राइट, ऑफकोर्स होगा बिकॉज जांचना है आपको, स्पेस को देखना है। सॉफ्ट एक्सरे इमेजिंग टेलीस्कोप्स भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितना वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ये सब मिलके एक साथ
यहाँ पर इमेजेस प्रोवाइड करवाते हैं, रेज जो निकलती हैं, वेवलेंथ जो डिफरेंट डिफरेंट आ रही हैं, उनको ये डिटेक्ट करते हैं जो सेलेस्टियल बॉडी से निकल रही हैं, और फिर ये मैसेज जो है यहाँ ग्राउंड लेवल पर सेंड करते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से काम करता है ये एस्ट्रोसैट। और अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इसरो क्या बात कर रहा है कि हम एक नेक्स्ट जेनरेशन का सैटेलाइट, एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट बनाने जा रहे हैं, यानी इसमें इससे भी ज्यादा डेवलप्ड फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है जी, ये बिल्कुल भी एस्ट्रोसैट 2 नहीं है, ये दूसरा वर्जन नहीं बना रहे हम एस्ट्रोसैट 2 का, हम लोग एक बिल्कुल अलग तरीके का सैटेलाइट यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है जी, अगर हम क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करें तो प्रीलिम्स से रिलेटेड आपको बिल्कुल जी डायरेक्ट पूछा जा सकता है अबाउट एस्ट्रोसैट। ठीक है, क्योंकि ये पिछले कुछ समय से इन न्यूज है, इसलिए ये लोग पूछ सकते हैं। तो ये कौन से लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है, तो PSLV से किया गया है, नाम क्या है, PSLV C30 है, इस तरह से क्या काम करता है, स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, कितने तरीके की वेवलेंथ्स को ये चेक करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर जो लाए करती है उनको ये डिटेक्ट कर सकता है। सो इस तरह से यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। एंड अगर हम लोग मेंस की बात करें तो मेंस में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक। बट यस, इफ दे विल आस्क एनी क्वेश्चन ऑन स्पेस टेक्नोलॉजी या स्पेस के अंदर हमारी क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं, तो वहां पर जरूर आप एस्ट्रोसैट को एज अ फॉडर मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसरो के जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट जेन सैटेलाइट की बात हो रही है, नेक्स्ट जनरेशन एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट की बात हो रही है, दैट यू कैन टॉक हियर कि इसरो इज वेरी फ्यूचरिस्टिक, इसरो ने पहले ही तैयारी शुरू कर दी है टू वर्क फॉर द नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट विद बेटर टेक्नोलॉजी। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए इस वीडियो को, और ज्यादा अपडेट्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें। एंड इफ यू नीड द PDF ऑफ दिस वीडियो तो आप प्लीज हमें ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू सो मच।